हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्यों आपको उस स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो आज हमें स्टॉक में 1% के करीब की तेजी देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 1,436.65 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल जो आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का, ये आप मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखने को मिला है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, यानी ये स्टॉक अब भागने के लिए तैयार है। अगर आप इस स्टॉक में एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस जो ये रेजिस्टेंस है यानी 1270 का रख सकते हो। जब भी कोई स्टॉक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत तेजी से भागता है और बहुत सारे केसेस में देखा गया है वो मल्टी वैगर बनता है। आप देखोगे ये जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है ये 9 साल का है। आप देखोगे 2015 में जो कंपनी के शेयर प्राइस थे उन्होंने 1270 का लेवल टच किया था, और उसके बाद आज 2024 में ये लेवल टच किया है जुलाई के महीने में। वहीं आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रखो, अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। अब इस पर आप अपने खुद की स्टडी करें या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी सलाह जरूर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।